बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दुआ इफ्तार के साथ मैं आपके प्रोग्राम का मेज़बान फ़हीम अजमल आपको सलाम पेश करने के लिए और ये बताने के लिए 9:19 पे आज होगी इफ्तारी। व्यूअर्स, ज़हूर इस्लाम से कबल जज़ीरा अरब में बाकी तमाम इबादत तो तकरीबन हुआ करती थी, रोज़ा भी नमाज भी किसी सूरत में थी, अगरचे कि उसकी सूरत और शक्ल बिगड़ी हुई थी। अरब के लोग इस्लाम से पहले खाना काबा के करीब जब नमाज़ पढ़ते थे तो तालियां और सीटियां बजा के किया करते थे। इसी तरह तवाफ़ भी किसी न किसी सूरत में, हज वगैरह वो भी हुआ करता था, बल्कि बिगड़ी हुई शक्ल ये थी कि बुरहना होकर लोग तवाफ़ किया जाते थे करते थे और इसको बड़ा आला मर्तबा समझा जाता था। और बाकी ज़कात या सदक़ात भी वहाँ अच्छी तरह से मौजूद थे, अल्लाह का नाम भी लेते थे, मिल्लत इब्राहिमिया से अपने आप को वो मुंसलिक करते थे, लेकिन रोज़ा नहीं था अरबियों में, जज़ीरा अरब में। तो जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ये देखा कि यहूदी वहाँ रोज़ा रखते हैं आशूरा के दिन का। और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़ किया कि भैया रोज़ा आशूरा का आप किस लिए रखते हो, तो उन्होंने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से फ़िरौन को हमें इस दिन निजात मिली थी तो हम उसकी खुशी मनाते हैं और ये रोज़ा रखते हैं। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा तो बड़ी अच्छी चीज़ है रोज़ा। तो उन्होंने कहा कि मूसा तो हमारे भी पैगंबर हैं तो हम भी रखेंगे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फिर उस वक्त के बताया कि रोज़ा रखें, रोज़ा अल्लाह ताला के करीब लेके जाता है और ये तकवा लेके आता है। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, क्योंकि ये तुमसे पहले उम्मतों पर भी थे। फिर इसके बाद रोज़े की, चूँकि वहाँ गर्मी इतनी शदीद हुआ करती थी, रोज़ा रखना लोगों के लिए इस्लाम की एक बड़ी अच्छी हिकमत रही है हमेशा, चाहे नमाज का हुक्म हो, चाहे शराब छोड़ने का हुक्म हो, चाहे रोज़े का हुक्म हो, हमेशा बतदरीज और तदरीजन राइज करवाया हज़ूर सल्लम ने। तो हर महीने के 13, 14 और 15 तारीख को पूरे साल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रोज़ा रखवाया करते थे अपने सहाबा को। और फिर उसके बाद शहर रमज़ान, रमज़ान शरीफ हुआ और जिसमें पूरे महीने को वाजिब करार दे दिया, फ़र्ज़ करार दिया कि मुसलमान रोज़े रखेंगे। अल्लाह मियाँ कमी बेशी माफ़ फरमाए। पहले हमारे प्रोग्राम में दुआ इफ्तार के हमने तस्करा किया कि 23वें रकू में जिसमें सारे अहकाम हैं रोज़े के हवाले से, सूरह बकरा की उसकी पहली आयत पढ़ी जिसमें लअल्लकुम तत्तकून के हवाले से तस्करा रखा कि रोज़े रखो ताकि हम मुत्तकी बन जाओ। और फिर अय्याम मादूदात का तस्करा हमने पिछले प्रोग्राम में किया जिसमें वो 3 दिन महीने के सुन्नत के तौर पर, आज भी जो बड़े लोग हैं जो अल्लाह का कुर्ब जानते हैं, सूफ़ी लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं, वो आज भी सुन्नत के तौर पे 13, 14 और 15 चांद की के रोज़े रखते हैं। और आज कारी साहब हमारे साथ हैं, हाफिज़ इफ्तखार, सैयद इफ्तखार साहब, जो अगली आयत की तरफ तर्जमा और उसकी तशरीह पेश करेंगे। खुश आमदीद कहते हैं इनको स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, अल्लाह का शुक्र है आप सुनाए खैरियत से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। जी हुजूर फरमाइए, आज अगली आयत उसके हवाले से हमने तस्करा करना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने ये जो अहकामात हमें अता फरमाए हैं इनमें से अगला जो हम तीसरी आयत का हम आज तर्जमा करेंगे उसका कुछ हिस्सा, चूँकि वक्त कम होता है इसलिए हम मौजू को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाएँगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, के ये शहर रमज़ान है, यानी रमज़ान शरीफ का जो महीना है इसकी बाकी अज़मतें भी पहले बयान की कि रोज़े इसलिए हैं कि तुम्हें तकवा मिल जाए। सही। और ये रमज़ान शरीफ का ख़ुसूसन ये ऐसा महीना है कि इसकी ये बरकत भी है, बाकी बरकत के अलावा ये बरकत भी है कि उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, कि इसमें अल्लाह पाक ने कलाम पाक को उतारा, अपनी कलाम को उतारा, कुरान करीम को उतारा, किस लिए? हुदल लिन्नास, लोगों को हदायत बख्शने के लिए कि लोग जो है ना वो इससे हदायत पा जाएं। बिल्कुल सही। वबय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, और इसमें बड़ी वाज़ह निशानियां हैं। सही। किसके लिए? हदायत के लिए। हदायत के लिए आपके लिए बहुत वाज़ह निशानियाँ हैं। अगर कलाम पाक को हम डीपली पढ़ें तो ये अल्लाह पाक का ये कलाम हमें हदायत ही हदायत अता फरमाता है। बेशक। और एक आयत करीमा जो है ना वो और भी है, इससे पहले आती है, पहले पारे में वो आयत करीमा है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये मेरा मौजू नहीं मगर हदायत के हवाले से वो बात जहन में आ गई कि ये
قرآن کریم جو ہے وہ اگر بغض رسول رکھ کر پڑھا جائے گا تو وہ گمراہ کر دیتا ہے, یدل بھی کثیرہ, اس سے بہت زیادہ گمراہ ہوتے ہیں, وہ یہدی بھی کثیرہ, اور ہدایت بھی اس سے بہت زیادہ پاتے ہیں. محققین کرام فرماتے ہیں کہ جب دل میں عشق رسول ہو, نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینہ موجزن ہو, تو پھر یہ ہدایت ہی ہدایت ہے. اگر عشق رسول دل میں نہ ہوگا تو پھر یہ قرآن کریم ہدایت آپ کو نہیں دے گا. صحیح. اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں قرآن کریم کو نازل کیا, ہدل للناس, کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں. جی. وبینات من الہدی والفرقان, اور اس میں فرق کرنے کے لیے, گمراہی اور ہدایت میں فرق کرنے کے لیے بڑی واضح نشانیاں ہیں. صحیح. آگے فرمایا فمن شہد منکم فلیصم. صحیح. کہ جو بھی اس کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. صحیح. یعنی رمضان المبارک کا بیان کرنے کے بعد کہ اس میں اللہ پاک نے یہ بھی عظمت رکھی ہے. جی. کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی رمضان المبارک کو پائے اس کے روزے رکھے, یہ قرآن کریم کا حکم بھی ہے. جی. اور روزہ رکھنے کے حوالے سے, چونکہ ہم ہر روز کوئی ایک نئی حدیث جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں. جی. کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَدَعَ قَوْلَ الزُّورِ. صحیح. کہ جس نے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا. جی. جھوٹ بولنا جس نے بند نہ کیا. جی. رمضان المبارک آیا. جی. اس نے روزے رکھے, صبح سے شام تک وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا, مگر ملم یدع قول الزور. جی. کہ جس نے جھوٹ بولنا بند نہ کیا, والعمل بھی, اور اس کے اوپر جھوٹ یعنی جھوٹی بات کے اوپر عمل کرنا بھی بند نہ کیا. جی. فلیس للہ حاجتن, کہ اللہ کو بالکل کوئی حاجت نہیں ہے, اَن یدع سماعہ شرابہ, کہ وہ چھوڑ دے, کھانا چھوڑ دے, پینا چھوڑ دے, اللہ پاک کو اس کی کوئی حاجت نہیں, روزے کی اس فاقے کی کوئی ضرورت نہیں, اس کی فاقے کی کوئی ضرورت نہیں, کہ اس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا. جی. یعنی اس کے اپنے اندر چینجنگ نہیں لے کے آیا. صحیح. اپنے اندر اس نے تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی. جی. جب رمضان المبارک جو ہے وہ تو لعلکم تتقون ہے. جی. تو اس کے فضائل دیگر بھی ہیں. اگر وہ تقوی اختیار نہیں کرے گا, اگر غیر رمضان میں بھی وہ جھوٹ بولتا رہا. جی. اور رمضان المبارک میں بھی اس نے اپنی جھوٹ کی روش ترک نہ کی. جی. تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں, کہ وہ جو ہے نا وہ صبح سے شام تک منہ کو بند رکھے تو اللہ پاک کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح. یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے, ایمان اور احتساب کے ساتھ. بے شک. یعنی خود احتسابی کا عمل, کہ کہیں یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ پاک کے جو ہے نا احکامات کے خلاف تو نہیں جا رہا. جی. یعنی اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ بندہ خود پرکھتا رہے. جی. خود دیکھتا رہے, تو اس کا نام جو ہے نا وہ روزہ ہے, کہ ہم نے اپنے رمضان المبارک نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے. صحیح. تو اس میں جو ہے نا وہ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ پالے, اور یہ روزہ جو ہے وہ عاقل اور بالغ پر فرض ہے. صحیح. کہ وہ عقل رکھنے والا ہو, جس کو عقل نہیں اس کے اوپر روزہ نہیں, یا جو بالغ نہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ روزہ نہیں. جی. تو اللہ پاک نے جو ہے نا اس کو فرمایا. تو آج چونکہ وقت کی کافی قلت رہتی ہے, تو وقت ہر روز جو ہے نا وہ ایک دو منٹ کم ہوتا جاتا ہے. جی. تو ہم اپنے موضوع کو اچھے طریقے سے سمیٹنے میں جو ہے نا وہ ہمیں بھی دقت ہوتی ہے. جی, بعض اوقات. تو آج چونکہ تیسرا روزہ ہے, تین رمضان المبارک ہے. جی. تو آج سیدہ کائنات. جی. سیدہ طیبہ طاہرہ, سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے. رضی اللہ تو آج ان کے یوم وصال کے حوالے سے. جی. جی. کہ جو ہے نا وہ ان کی زندگی پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ سیدہ کائنات کے منگتوں میں ہمارا بھی نام آ جائے. صحیح. ان کے ذکر کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے. تو یہی بات شاید ہمارے لیے جو ہے نا وہ تمام عبادات کی قبولیت کا سبب بن جائے. شاید انشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے نا وہ سیدہ کائنات کا مرتبہ اور مقام اس کا بیان کرنے کے لیے تو جو ہے نا وہ شاید کئی پروگرام بھی اس کے اوپر کرتے جائے تو ہم اس آپ کی عظمت کو کا احاطہ نہیں کر سکتے. بے شک. No doubt. سیدہ کائنات, آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں. سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں. جی. آپ کی دیگر بھی تین صاحبزادیاں تھیں, یہ چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں. جی. تو
अल्लाह पाक ने इनको बहुत मर्तबा और मुकाम अता फरमाया है। बाकी साहबजादियाँ चूँकि उनकी वो फोत हो जाती रहीं, उनका उनकी औलाद नहीं, और सैयदा कायनात की जो है ना वो अल्लाह पाक ने उनको औलाद से नवाजा। और दूसरी अजमत इनकी ये है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद जो है ना वो आप पैदा हुई। सही, अच्छा। तो सैयदा कायनात जो है वो आपकी हस्ती क्या है, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि अपना मुंह हम किस तरह से बनाएं कि सैयदा कायनात का जिक्र करने लगे हैं जी। कि सैयदा कायनात सबसे बड़ी खूबी कि आप नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, और दूसरी खूबी ये कि आप मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आप ज़ौजा मोहतरमा हैं, और शहजादे जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के जो सरदार हैं। और ये बात भी बड़ी मज़े की है कि जन्नत में हर बंदा ही जवान जाएगा जी। जो बूढ़े हैं वो भी जवान हो के जाएंगे जी। तो उनकी जो हसनैन करीम हैं जो शबाब अहल जन्ना के जो हैं वो सरदार हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा हैं। ये इतनी खूबियाँ, और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी प्यारी साहबजादी के जब नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब आया तो आपने जो है ना वो सैयदा कायनात को बुलाया जी। और फरमाया कि अब मेरा वक्त करीब है जी। तमाम के साथ अब जो है ना वो बातें फरमा रहे थे, सबको कुछ ना कुछ फरमा रहे थे, मगर ये बात सिर्फ सैयदा कायनात को फरमाई कि अब मेरा वक्त करीब है और मैं अनकरीब चला जाऊँगा। तो ये बात सुनकर सैयदा कायनात ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, तो आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। तो जब आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया तो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये देखा ना गया, तो फिर दोबारा जो है ना बुलाया कि दोबारा मेरी बात सुनो। ये सरगोशी के आलम में यानी कि करीब बुलाकर कान में ये बात की, यानी ऐसा प्यार प्यार भरा और मोहब्बत भरा अंदाज़ कि दोबारा से कहा कि जो है ना वो आप इसलिए रो रही हैं कि मैं दुनिया से चला जाऊँगा, आपको एक और बात बताता हूँ, वो ये कि मुझे इस ख़ानदान में सबसे पहले आकर तुम मिलोगे। यानी नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ने ये सुना कि मेरी ही बारी होगी जब मैं नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले पेश होंगी, यानी फौत होने में सबसे पहले अभी नंबर मेरा आएगा। और एक और बात फरमाई कि जन्नत की जितनी भी ख़वातीन हैं आपको उनका सरदार अल्लाह पाक ने बना दिया है। सही, अच्छा। तो जब ये फरमाया तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल सही। जब मुस्कुराहट आई तो अल्लाह पाक ने जो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना वो सबसे पहले तुम आके मुझे मिलोगी भी, और अल्लाह पाक ने तुम्हें तमाम ख़वातीन का सरदार बनाया है। और इसमें जो है ना वो बहुत जैद ख़वातीन भी होंगी। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का तज़किरा हम किस अंदाज़ में करें कि वक़्त की बहुत किल्लत है। अल्लाह पाक हमें जो है ना वो आपके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी और उम्मती होने का हक अदा करने की तौफीक। बिल्कुल, हमें नबी करीम के उम्मती होने का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया व्यूज आपका, बहुत शुक्रिया। वो लोग जिन्होंने आज रोज़े रखे, ख़ासतौर पर वो बुज़ुर्ग जो इस वक्त बैठे हुए हैं लेकिन अपनी सेहत और उम्र की वजह से रोज़े नहीं रख सकते, लेकिन हम उनके दिलों को उनकी नीयतों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह से जवानी में रोज़े रखा करते थे। अब वो नहीं रख सकते लेकिन अल्लाह नीयतों और दिलों के हाल जानता है, इंशाअल्लाह उनकी इबादत ज़रूर कबूल होगी। हमारी बुज़ुर्गों, हमारी औरतें, ख़वातीन और बहनों को भी बहुत शुक्रिया जो इतना इतनी ताकत से हमारे लिए तमाम करती हैं। इफ्तारी का प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मुबारक आज के रोज़े की। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. يا نبي كريم رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم کے صدقے ہمارے روزہ رکھنا اور افطار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس روزے کے برکت سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما،
और हमें आइंदा नेक काम करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।